पांच राज्यों में योजनारी विधानसभा चूंटणी ने ध्यान में राखी दिल्ली में भाजपनी राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक मळशे। 7 नवेम्बरे योजनारी आ बैठक में विधानसभा चूंटणी में भाजपनी रणनीति पर चर्चा कराशे। मीटिंग की शुरुआत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भाषण थी थशे अने समापन वडाप्रधान मोदी संबोधन थी थशे। बैठक में भाजपना लगभग 300 नेता हाजर रहेशे। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधीए कोरोना की बीजी लहर दरमियान थयेला लोकोना मौतने लईने मोदी सरकार पर निशान ताक्यो। कहू कि सरकारे कोरोना सामे लड़वा माटे जी नीति अपनावी हती ते बहु दुखद अने कमनसीब हती। देश में जारे कोरोना की बीजी लहर चरम पर हती त्यारे मोदी सरकार की गुनाहित बेदरकारी कारणे सतत लोग मौत ने भेटी रहा था। चेतवनीओ मळ्या बाद पण कोरोना सामे लड़वा माटेनी तैयारीओ ने बाजू पर मूकी देवाई हती। उत्तर प्रदेश विधानसभा चूंटणी ने ध्यान में राखी सीएम योगी लोगों दिवाली भेट आपी। तेमने प्रधानमंत्री अन्न योजना हेठ होली सुधी मफत राशन आपवानी घोषणा करी। आ योजना हेठ बीपीएल कार्ड धारकों 35 किलो अनाज फ्री में आपवामां आवशे। योगीए कह्युं कि गरीब परिवारों की दरेक समस्या उकेलवा माटे सरकार हमेशा तेमनी साथे छे। आ योजना अंतर्गत 15 करोड़ बीपीएल कार्ड धारकों ने लाभ मळशे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चूंटणी ने लईने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादवे मोटी जाहेरात करी। कहू कि चूंटणी में ते पोताना काका शिवपाल नी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी साथे मळीने गठबंधन करशे अने मळीने चूंटणी लड़शे। अखिलेशे कहू कि आगामी विधानसभा चूंटणी में एसपी काकानी पार्टी तथा तमाम नाना पक्षना पक्ष मळीने चूंटणी में झंपलावशे। उत्तर प्रदेश ना बागपत में बैंक ने शाहूकार नी लोन थी परेशान खेडूते आत्महत्या करी लीधी। जेने लईने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादवे योगी सरकार पर आकरा प्रहार कर्या। कहू कि राज्यनो खेडूत क्यां सुधी आ बधुं सहन करशे। बागपत में खेडूते आत्महत्या नी घटना अत्यंत हृदयद्रावक छे। भाजपना शासन में खेडूतोनी आवी स्थिति सरकारना तमाम जुठ्ठाणानो पर्दाफाश करी रही छे। लोकसभानी आगामी चूंटणी में भाजप अने तमाम विपक्षों संयुक्त मोर्चे बनावानी चाली रहेली बातों वच्चे कांग्रेस अने टीएमसी वच्चेना मतभेदों वधारे उग्र बनी रह्या छे। बंगाल कांग्रेसना अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरीए टीएमसी ने निशान बनावी हती। टीएमसी माटे चूंटणीनी नीति घड़नारा प्रशांत किशोरने तेमने भाजपना एजेंट गणाव्या हता। टीएमसी कांग्रेसने नीचू देखाड़ीने भाजपने मजबूत करी रही छे। पंजाबना राजकारणमां एकवार फरी प्रशांत किशोरनी एंट्री थई छे। सीएम चरणजीत सिंह चन्नीए पोते आ बातनी खराई करी। चन्नीए आ बातनी जानकारी आपी कि तेमणे हाईकमांड तरफथी प्रशांत किशोर साथे चूंटणी रणनीति शेर करवा माटे जणाव्युं। जो प्रशांत किशोर फरी पंजाब कांग्रेस माटे रणनीति बनावे तो चूंटणी रणनीतिकार तेने वापसी समझी शके छे। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धूना कैप्टन अमरिंदर सिंह पर प्रहार। नवजोते कैप्टन ने फूटी गयेला कारतूस अने फ्रॉड गणाव्या। हवे तेओ दावो करी रह्या छे कि मंत्री गैरकायदेसर खननमां सामेल हता तो पछी तेमणे कार्यवाही केम न करी, शुं तेओ ऊंघी रह्या हता। नवजोते कह्यो कि पहला पार्टी बनावी त्यारे केटली सीट जीती हती। आर्यन खान केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर सतत आरोप लगावी रहा छे। आ वच्चे नवाब मलिके लोगों ने दिवाड़ी की शुभकामना आपता कहू कि होटल ललित में केटलाक रहस्य छुपायेला छे। रविवारे मळीए नवाब मलिक अत्यार सुधी वानखेड़ेना अंगत दस्तावेजों सोशियल मीडिया पर जाहिर कर चुक्या छे अने समीर वानखेड़ेना जाति अने धर्म तथा नौकरी माटे खोटा दस्तावेजों आप्या होवानो मुद्दो पण उठाव्यो छे।